अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दूसरा रोज़ा जो है वो स्टार्ट हो चुका है और दूसरी क्या बोलते हैं हम अफ्तारी बोलने जा रहे थे, सॉरी दूसरी तरावी के लिए मैं अली मुबारक की तरफ निकल रहा हूँ। तो अभी ईशा की नमाज़ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जाएंगे तरावी के लिए। तो दूसरे दिन का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, व्लॉग बढ़े रहिए, मिलते हैं आपसे आगे। नई नहारी की दुकान के लिए अल हबीबी फैमिली रेस्टोरेंट, क्या बात है, जगमगा रहा है मस्त। तो तरावी तो अभी ख़त्म हो गई है अलीम कॉलेज की, जा रहे हैं घर। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, लोग घूरने लगते हैं ना। तो अभी रूपम की तरफ जा रहे हैं और तरावी को मुकम्मल दूसरे दिन की कर चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। रात के 11:30 बज रहे हैं, बेकन गंज की तरफ बहुत भीड़ रहती है पता, और इधर रहती है रूपम की तरफ। ये तो बीच का एरिया है ना जहाँ मेरा घर है, वहाँ सन्नाटा रहता है क्योंकि लाइट भी नहीं है ना। और अभी ये नई जूते की दुकान खुली है तो शायद थोड़ी सी रौनक हो जाए यहाँ पे। तो चलिए अभी घर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, खाना वाना खाते हैं। चलते तो हलीम कॉलेज से बेकन गंज यानी कि मेरे घर तक पैदल आने में मुझे बहुत टाइम लग गया। उसका रीज़न था कि इतनी भीड़ थी भाई। मुझे ऐसा लगता है कि हलीम कॉलेज की जो तरावी हो रही है इस बार, इसमें अगर आप मानो तो एक रो में कम से कम 250 लोग होंगे और कम से कम 40 रो हैं। तो आप इस हिसाब से जोड़ो, 250 × 40 इज इक्वल टू 10,000। 10,000 लोग, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, जाने कितने लोग होंगे जो हलीम में तरावी पढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं घर, लिफ्ट आ गई है। फजर का वक्त हो गया, जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने गरीब नवाज़ की मस्जिद में। इस बार मसाले वाली में नहीं जा रहा हूँ, गरीब नमाज़ में जा रहा हूँ। तो चलिए फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। फजर की नमाज़ हो गई है माशाल्लाह। अभी क्रिकेट खेलने की प्लानिंग कर रहे थे हम लोग, पता है, जैसे कि हमेशा से खेलते थे, लेकिन आज हो नहीं पाया। तो शायद कल जो है हम लोग शुरू करेंगे उसका, अभी प्लान बना लिया हम सब ने मिल के। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और क्रिकेट खेलेंगे, फिर आपको अगले व्लॉग में देखोगे, आप इस व्लॉग में तो नहीं देखोगे। तो चलिए फजर की नमाज़ पढ़ के आ गए, अब जा रहे हैं घर, सुबह सोकर उठेंगे फिर आपसे मिलेंगे। चलिए, मैं की दुकान है तो ऐसी हो जैसी इसरार भाई की, माशाल्लाह क्या बात है। ये देखिए, मतलब चश्मा खरीदने से पहले आदमी 500 रुपये हाथ में देते, 1,000 रुपये डब्बे ऐसे लग रहे। इसमें क्या है, चश्मे घड़ियाँ हैं, ये हमको लगा इसके ऊपर ही लगा हुआ है, ये सब घड़ियाँ हैं, क्या बात है। अभी 5:15 हो रहे हैं और मैं आया हूँ, एक ही है रहमानी मार्केट में इसरार, मतलब सबसे बेस्ट चश्मे के मामले में और घड़ी के मामले में। तो इनसे चश्मा बनवाने आए हैं, उसके बाद जाएंगे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद घर चलेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। चलिए, टूटा हुआ जो चश्मा लेकर आया था मैं, ये देखो चश्मा, इसका फ्रेम मिली है, आके दिखाओ जरा, ये फ्रेम इन्होंने ढूंढा है और इसमें ये फिट हो गया। चलो, रस्ते मम्मी का चश्मा बन गया,
इसरार भाई हैं तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। चलो ठीक है, ये चश्मा भी मैंने लिया है एक, इस पर मैं लगवाऊंगा लेंसेज और फिर ये कंप्लीट जब हो जाएगा तो मैं ले जाऊंगा। शाम के 5:30 हो रहे हैं, रोज़ा खुलने का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। अभी हम लोग ले लेते हैं यहाँ से ज़ीरे और फैन वगैरह, बाकी ये अपने भाई की दुकान है, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो यहीं आना, ठीक है। ये देखो लोकेशन है, सीन मार के बगल में है जस्ट, तो चलिए ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। वही हमेशा से मेरी फेवरेट फ्रूट्स की दुकान, यहाँ पे ले लेते हैं अभी सेब और अनार, अंगूर, पपीता, केला भैया से लेना पड़ेगा, केला रखते नहीं है। देखिए मगरिब के अज़ान होने में अभी 20 मिनट बाकी है, ऐसा माहौल चल रहा है यहाँ का, सिर्फ ख़रीदारी हो रही है बस। ले लिया है सामान, ब्रेड ले लिया, सैंडविच वाला, अब ये ले लेते हैं, बहुत भारी हो जाएगा, पकड़े कैसे। चलो बहुत ओवर हो गया भाई ये, अभी घर चलते हैं अफतारी के लिए। मस्त ये देखो रुहामा ने, रुहामा स्पेशल सैंडविचेस, मैंने सॉस लगाया था, इन्होंने आलू भरा था। लेकिन सॉस के साथ तुमने और भी बहुत सारी चीज़ें लगाई थी, मायोनीज वगैरह, लेकिन कितने अच्छे लग रहे हैं। उधर दिलमा रेडी हो रही है, उधर वह नमाज पढ़ रहे हैं असिर की। कानपुर से प्लेन बहुत ही कम निकलते देखा है मैंने, देखो कहाँ जा रहा है ये, एयरपोर्ट तो है नहीं यहाँ पे, है भी तो बहुत दूर है लेकिन सिटी साइड पे कभी नहीं आता है। और ये देखिए 3 दिन का चांद ऐसा हो गया अब, और रोड पे हो गया है सन्नाटा, क्योंकि रोज़ा खुलते वक्त जो है सन्नाटा हो जाता है। ये कबूतर ही बैठा है, वेटिंग कर रहा है इसकी अजान की, अजान हो तो ये भी रोज़ा खोले। बढ़िया मस्त, अभी अजान होने लगी क्या? लेकिन टाइम तो 6:18 का है, 6:16 हो रहा है, 2 मिनट पहले अजान हो गई। अरे भाई दूर क्यों रहा? अजान तो अजान है ना, अजान है। चलो 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 चलिए रोज़ा खोलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो रोज़ा खोल के सब लोग नमाज पढ़ने की जगह यहाँ पे पता नहीं क्या देख रहे हैं नीचे, ऐसा क्या है भैया नीचे, ऐसा कुछ है नहीं, अभी खाली है सब। क्या देख रहे हैं नीचे ऐसा? हम देखने आते, कौन सा व्यू? चांद देखो, चांद चांद दिखा चुके हैं नीचे, देखो सन्नाटा पड़ा है एकदम, पिन ड्रॉप साइलेंस है क्योंकि रोज़ा खुल चुका है। और अभी जो है दूसरा रोज़ा मुकम्मल हो रहा है, और हमारा दूसरा जो व्लॉग है वो भी मुकम्मल हो रहा है, तो मिलेंगे आपसे तीसरे व्लॉग में रमज़ान के आने वाली क्लिप में। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मिस बाली एंटरटेनमेंट, बाय बाय। ये देखिए तरावी के दौरान क्या हो रहा है हलीम कॉलेज में, ये जनाब जो है पता नहीं ऊपर क्या देखने जा रहे हैं, ऊपर कौन सी तरावी पढ़ने जा रहे हैं। मैंने वीडियो चुपके से बना ली थी ताकि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं कि इस तरह की हरकत प्लीज़ 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 ना करें यार।